तब उस उन पादरी ने लुई को अपना लिया और उस पर अपना स्नेह था प्यार, सारा प्यार उड़ेल दिया, मतलब उसे बहुत प्यार करने लगे। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, वृक्ष मतलब पेड़, तो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। उन्होंने उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, तो उन्होंने उससे बात कर करके उसको फूलों की और पक्षियों की पहचान कराई, जैसे स्पर्श करा करा के किसी तरह से फूल की पहचान कराई, उसकी खुशबू की पहचान कराई, पक्षियों की आवाज़ से पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत का भी अध्ययन कराया, तो उसको कुछ संगीत भी सिखाया। वे उसे बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे और बाइबल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ कर दिखाएगा। उनके साथ ने उस उन पादरी के साथ ने लुई के जीवन का मार्ग बदला और लुई का में एक लक्ष्य को बनाने की प्रेरणा मिली। वह जीवन में कुछ करके दिखाने की सोचने लगा। पादरी ने लुई को एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर स्कूल में प्रवेश दिला दिया, तो और बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले तो सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा था, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी, प्रतिभा मतलब गुण तो सामने आने लगे। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता, मतलब ऐसी योग्यता जो कि साधारण नहीं थी और आम लोग नहीं कर सकते थे, और विनम्र व्यवहार ने सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने, मतलब जहाँ एडमिशन लिया वहीं सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे हुए थे। अक्षर ज्ञान अंधों को कराना मुश्किल था, लेकिन ये बहुत दिन से इस समस्या को दूर करने में लगे हुए थे। वे जब 12 वर्ष के थे तो उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन, क्या नाम था फ्रांसीसी सज्जन का, चार्ल्स बार्बियर ने ऐसी लिपि तैयार की कर भी ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सके, मतलब वो सैनिक के लिए कर रहे थे कि रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सके। तो लुई ब्रेल को अपनी मंजिल वहीं से दिखाई देने लगी। 1821 में बार्बियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन आंध्र विद्यालय में किया। बस इस लिपि को मोटे कागज़ पे कुछ रेखाओं और बिंदियों को उभार कर बनाया जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से, मतलब हाथ को टटोल टटोल को उस पर रख कर उसे पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। अब लुई ने देखा कि अब तो वो नई लिपि बना सकता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। जब सिर्फ 13 साल के थे तो एकदम जुट गए, और रात को जब सारी दुनिया सोती थी तब वे मोटे कागज़ पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे कि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। 1829 में इन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। तो 1829 में उनकी कौन सी लिपि हुई प्रकाशित हुई, ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि, ब्रेल लिपि। फिर 8 वर्ष बाद इसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा गया। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाकर ज्ञान विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। नेत्रहीन के लिए लिपि के आविष्कारों को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन बना लिया। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा संसार से चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। इनकी मृत्यु कब हुई, 1852 को। तो इस प्रकार से अब आप इसे अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।